असलम दोस्तों, मेरे से यानी वॉचिंग एग्जैक्ट स्ट्रीमिंग चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी दावा के सीसीटीवी कैमरास को ऑनलाइन करने के बारे में है। आप कैसे आसानी के साथ दावा के कैमरास को अपने मोबाइल पर ऑनलाइन कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम आसानी के साथ और क्विकली कैसे दावा के DVR को अपने मोबाइल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने DVR को LAN पोर्ट के साथ इंटरनेट के राउटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने DVR का डिस्प्ले VGA केबल के साथ लिया है और BNC के साथ एक कैमरा कनेक्ट है और यहाँ पर LAN पोर्ट के थ्रू मेरा DVR राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का 2 मेगापिक्सल सपोर्टेड DVR है दावा का। LCD पर आप देख सकते हैं कि एक कैमरे का व्यू आ रहा है। ये जस्ट मैंने वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए DVR के साथ एक कैमरा कनेक्ट किया है। दोस्तों DVR को ऑनलाइन करने के लिए हम राइट क्लिक करने के बाद मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। मेन मेन्यू पर क्लिक करने के बाद वो आपसे सिक्योरिटी पैटर्न मांगेगा। दोस्तों आपने जो भी पैटर्न लगाया है वो पैटर्न दें और आपका DVR जो है वो मेन सेटिंग में इंटर हो जाएगा, मेन मेन्यू में इंटर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमने नेटवर्क पर क्लिक करना है। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा DVR इस वक्त स्टैटिक सेटिंग पर है, यानी कि स्टैटिक IP सेटिंग पर है। अगर आपको अपने नेटवर्क का IP नहीं मिलता तो आप इसको DHCP कर दें और उसके बाद आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इसको आपने सेव कर देना है। दोस्तों सेव करने के बाद आपने वापस नेटवर्क सेटिंग में जाना है। आप देखेंगे कि आपका DVR ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क का IP जो है वो उठा लेगा। तो इसको हम टेस्ट करते हैं और इसका पिंग चेक करते हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका DVR प्रॉपरली आपके राउटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम P2P पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि ऑनलाइन लिखा आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 QR कोड देखने को मिलेंगे, एक सेलफोन क्लाइंट यानी कि एप्लीकेशन आपने कौन सी इंस्टॉल करनी है वो बता रहा है और दूसरा है डिवाइस का सीरियल नंबर। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की तरफ। आपने अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां से GDMSS प्लस एप्लीकेशन को सर्च करके इंस्टॉल करना है। दोस्तों मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको टॉप राइट कॉर्नर पर एक कैमरा का आइकॉन नजर आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और साथ ही आपको एक प्लस का आइकॉन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है तो आपका कैमरा मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। दोस्तों आपने वहां से डिवाइस SN वाला QR कोड है उसको स्कैन करना है। दोस्तों QR कोड को स्कैन करने के बाद आपने बताना है कि आपने कौन सी डिवाइस ऐड की है। तो हम XVR पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों XVR पर क्लिक करने के बाद आपने अपने डिवाइस का नेम देना है, मैंने YouTube वीडियो लिख दी है और उसके बाद हम यूजर नेम इंटर करेंगे जो कि एडमिन होता है बाय डिफॉल्ट और उसके साथ साथ नीचे जो है आपने अपने DVR का पासवर्ड इंटर कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ऊपर राइट कॉर्नर पर जो सेव का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कैमराज आपके मोबाइल पर ऑनलाइन हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा हमारे मोबाइल पर लाइव चल रहा है। आप किसी भी कैमरे को डबल टैप करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं और उसको डिजिटली जूम भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और डिफरेंट ऑप्शंस इस एप्लीकेशन में मौजूद है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से अक्सर दोस्त वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। दूसरों का साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।